दोस्तों, हनुमान जी जिन्हें अजर अमर का वरदान देते हुए भगवान श्री राम और माता सीता ने कहा था कि जो भक्त कलयुग में हनुमान जी की पूजा करेगा उसे उसके जीवन में आने वाला संकट पहले ही टल जाएगा और बड़ी से बड़ी परेशानियां उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। और ऐसा ही हुआ राजस्थान के जैसलमेर में रहने वाले और हनुमान जी के एक परम भक्त नंगेदवर जी के साथ। दोस्तों, नंगेदवर जी जो कि भगवान श्री बजरंग बली के बहुत ही बड़े भक्त हैं, प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उसका पाठ करना और हनुमान जी को चोला उड़ाना उनको बहुत ही जरूरी और बहुत ही प्रिय था। प्रभु की कृपा से उनके घर में सब कुछ ठीक और एकदम सही चल रहा था। दोस्तों, नागेंद्र जी बताते हैं कि यह बात है सन 2014 की, जब अचानक से उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। दोस्तों, उनकी बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनके परिवार के सभी सदस्य बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में दिखाया, इलाज भी करवाया, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था, जिस कारण हमारी टेंशन और ज्यादा बढ़ने लगी थी। दोस्तों, इससे बड़ी परेशानी तो ये थी कि मेरी बेटी की उम्र भी बढ़ रही थी। जब भी उसे लड़के वाले देखने के लिए आते तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती थी। हम उसकी सभी हरकतों से काफी परेशान होने लगे थे। कई दिनों तक तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाए। यह परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। फिर एक दिन मैंने इन हरकतों के बारे में पास में स्थित एक मंदिर के पुजारी को बताया, तो पुजारी ने हमें हनुमान जी के अलौकिक कवच पंचमुखी हनुमान कवच के बारे में बताया और उसे धारण करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस यंत्र में साक्षात हनुमान जी की अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं, जिसे धारण करने से मात्र ही इंसान की बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं, और वो भी एक पल में। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान की रचना भी श्री भगवान रामचंद्र जी ने की थी। यह कवच अपने आप में ही भगवान श्री राम की शक्ति रखता है, जिसके प्रभाव से बुराइयों पर जीत पाई जा सकती है। इस कवच में भूत प्रेत चंडाल राक्षस व अन्य बुरी आत्माएं दूर भागती हैं। यह कवच आपको टोने या फिर टोटके से भी बचाता है और आपकी रक्षा करता है। काला जादू इस पर पूरी तरह से पराजित हो जाता है। इस कवच पर पूर्ण लाभ से जीवन के सभी शोक मिट जाते हैं। इसे शोकनांश भी कहा जाता है। पंचमुखी हनुमान कवच के बारे में अधिक जानकारी के लिए 7290061491 पर संपर्क करें, यानी कि 7290061491 पर संपर्क करें। दोस्तों, पंडित जी की सलाह मानकर हमने अपनी बेटी को भगवान श्री बजरंग बली के उस अलौकिक और अदृश्य शक्तियों वाले पंचमुखी हनुमान कवच को पंडित जी द्वारा उसकी राशि तथा नाम के अनुसार मंत्र से अभिमंत्रित कर धारण करवा दिया। करीब एक हफ्ते में ही उसके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार आने लगा, जिसके कारण हम थोड़ा चिंतित तो थे, लेकिन ये चिंता अब धीरे धीरे दूर हो रही थी। दोस्तों, हैरानी तो तब हुई थी जब उस दिन सुबह उठकर अचानक मेरी बेटी मेरे पास आकर पापा पापा कहने लगी। पहले तो उसकी इस हरकत को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि आज से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, जिसे सुनकर मुझे काफी खुशी हुई थी। मैं समझ गया था कि भगवान ने अपना चमत्कार कर दिया है और इस कवच ने अपना चमत्कार। दोस्तों, करीब 15 ही दिन के बाद मानो कि कोई चमत्कार ही हो गया। मेरी बेटी जो कई दिनों पहले कुछ खा पी नहीं रही थी और ना ही कुछ ठीक से बोल पा रही थी, अचानक ही हम सभी लोगों के बीच में बैठकर बातें कर रही है। यह नजारा देखकर मेरी आंखें नम हो गई। दोस्तों, यह है एक अदृश्य चमत्कार, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति आसानी से यकीन ना करे। एक वो दिन था और यह एक आज का दिन है, जब मेरी बेटी एकदम ठीक है और मेरे पास बैठकर अपनी शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है। दोस्तों, यह सब चमत्कार सिर्फ और सिर्फ भगवान बजरंग बली के उस पंचमुखी कवच के कारण ही संभव हो पाया, जिसके बाद हमने हनुमान जी के नाम से एक बहुत ही बड़ा पाठ आयोजित करा और प्रभु का धन्यवाद किया। दोस्तों, अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी तो इसको अपने जैसे और भी भक्तों में शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपके पास ऐसी ही जरूरी नोटिफिकेशंस आती रहें। धन्यवाद।